नमस्कार, मैं कृति गिरी और आप देख रहे हैं AHN न्यूज। राशन डीलर सरकार की मंशा को लगा रहे पलीता। 1 किलो चावल, 1 किलो गेहूं, 100 ग्राम चना की कर रहे राशन उपभोक्ताओं की चोरी। जिला पूर्ति विभाग, तहसील पूर्ति विभाग, राशन विक्रेता माफियाओं की मिलीभगत से हो रही राशन उपभोक्ताओं की चोरी। पात्रों के नहीं बनाए जा रहे राशन कार्ड। EO ग्राम पंचायत अधिकारी सबसे बड़े दोषी। राशन विक्रेताओं का मंत्री विधायकों का खुला संरक्षण। उत्तर प्रदेश का खाद्य और रसद विभाग मौन क्यों। मोदी योगी के सोशल डिस्टेंसिंग नियम का हो रहा खुला उल्लंघन। दे रहे कोरोना वायरस को दावत। गोवर्धन तहसील के अंतर्गत आने वाला गांव सहार में ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है जहां सरकार वाद विवाद करे जा रही है। हम 3 महीने का राशन या 5 महीने का राशन मुफ्त कर रहे हैं। घर में राशन डीलर ने गरीबों के हक से 1 किलो चावल, 1 किलो गेहूँ, 100 ग्राम चना के तौर पर घटाना शुरू कर दिया है। जहां पर मोदी सरकार गरीबों को मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है, उधर राशन डीलर उनके राशन में कटौती करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आखिर ये कालाबाजारी कब तक करते रहेंगे और ये कब तक होती रहेगी। मामला गोवर्धन के निकट सहार गांव का है। गांव के लोगों का कहना है राशन डीलर अक्सर उनके राशन में कटौती कर रहे हैं और राशन वितरण में ना तो किसी के पास मास्क है और ना किसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। अब देखना यह है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। मथुरा से केशव आचार्य गोस्वामी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कौन से नगले से हो आप? कितना वजन है आपका? ये 15 किलो है। और अच्छा, और अच्छा, और 5 किलो समुन को बड़ा कर। पहले कितना मिलता था? अभी क्या दिया है वो कहा ना, आदमी चढ़ाई ना रहा। कितने आदमी है? आदमी तो चाल गोया में। क्या नाम है? इमरान। कहाँ के रहने वाले हो? नगले के। कौन से नगले के? मेरे पास। कितना राशन मिला है आपको? राशन कितना मिला है? 22 किलो। पहले कितना मिलता था? पहले मिला 25 मिले करो, 30 मिले करो, तो खबर झूठ बोले। और अब 22 दिया है। क्या नाम है आपका? वसीम। कहाँ के रहने वाले हो? नंगला नहर। वजन कितना मिला है? 28। क्या यूनिट थी आपकी? दो यूनिटों को 28 किलो। पहले कितने मिलता था आपको? 34 में अब आपको 28 किलो दिया है। पैसे से दिया, फ्री में दिया? पैसे देख लें। कितना पैसा लिया? पैसा पापा ने दिया, पता नहीं कितने लिए। चारों ओर से सीमा सील होने के बावजूद भी हो रहे मादक पदार्थों की तस्करी। 31 किलो गांजे की खेप मिली गोवर्धन में। लॉकडाउन के चलते चारों तरफ की सीमाएं सील, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी खेप कैसे पहुंची जिले के अंदर। पकड़ा गया युवक राधा वल्लभ पुत्र गिराज का ठेकेदार बताया जा रहा है। हाल निवासी राधा कुंड का है। क्षेत्रीय अधिकारी जितेंद्र सिंह व थाना अध्यक्ष लोकेश भाटी के तस्करों पर कोई नियंत्रण नहीं। जब से दोनों अधिकारी डटे हुए क्षेत्र में, तभी से तस्करों का आतंक है। पुलिस के आला अधिकारी व सफेद पोश अपराधी का दे रहे मादक पदार्थ तस्करों का गिरोह का संरक्षण। हरियाणा नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार HR 51 AT 9606 से की जा रही थी तस्करी। राधाकुंड चौकी इंचार्ज जितेंद्र तेवातिया कर रहे थे छिटिकरा मार्ग पर चेकिंग। मामला मथुरा जनपद के थाना गोवर्धन क्षेत्र स्थित राधाकुंड चौकी का है, जहाँ पर स्विफ्ट डिजायर कार में 31 किलो गांजे की कीमत लगभग 3,50,000 बताई जा रही है। राधाकुंड चौकी इंचार्ज जितेंद्र तेवातिया ने पकड़कर बड़ी सफलता प्राप्त की है। बताया जा रहा है इन दिनों गोवर्धन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गांजा का कारोबार फूल फल रहा है। पुलिस निष्क्रिय बैठी हुई है। उसका कारोबार करने वाले को हौसला इतना बुलंद हो चुका है कि गांजा बिहार से क्षेत्रों से ले आकर गोवर्धन क्षेत्र में खुलेआम सप्लाई किया जा रहा है। गोवर्धन में नहीं, पूरे मथुरा जनपद में इन दिनों इस तरह के नशे के कारोबार खूब चांदी काट रही है। इन लोगों के इरादे इतने मजबूत होते जा रहे हैं कि पुलिस का कोई भय नहीं रहता। रात तो रात, दिन में भी ये लोग खुलेआम गांजा बेचते नजर आ जाते हैं। देखना भी यही होगा कि इन छोटे छोटे गांजे कारोबारियों को पकड़कर मथुरा पुलिस एकत्रित करती है या फिर कारोबार से जुड़े बड़े मगरमच्छ पर भी मथुरा पुलिस हाथ डाल पाती है। मथुरा से केशव आचार्य गोस्वामी की खास रिपोर्ट। मतलब सामने आया क्या मामला हुआ? ये 30 किलो गांजा आज सुबह 8:15 के आसपास छठीगढ़ बैरियर से पकड़ा गया है। भोरस पुलिस अधीक्षक मथुरा महोदय के निर्देशानुसार आज लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए गोवर्धन पुलिस SHO गोवर्धन और छठी राधाकुंड चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में चेकिंग की जा रही थी छठीगढ़ बैरियर पर। उसी समय HR नंबर की एक स्विफ्ट डिजायर कार आती दिखाई थी, उसको रोका गया, उसे चेक किया गया। उसकी डिक्की में गांजा बरामद हुआ। गांजा को पूछा गया इसका ड्राइवर से, तो उसने बताया कि मेरा नाम राधा बल्लभ है,
और मैं राधा कुंड का ही रहने वाला हूँ। उसके बारे में जानकारी की गई तो पूर्व में भी दो बार गांजे के अंदर तस्करी के अंदर ही जेल जा चुका है। उसके बाद कितना गांजा पकड़ा गया? तुलवाने पर जानकारी हुई 30 किलो 30 केजी गांजा उसके पास रही होगी। लगभग इसकी इंटरनेशनल मार्केट में 3-3.5 लाख रुपए इसकी मार्केट मूल्य बताया जा रहा है। सर ये लोग लाते कहाँ से हैं? इसकी जानकारी अभी की जा रही है। कैसी जानकारी?